2002 में BG1 एक कॉटन किसानों को मिल गया, उसके बाद दो जीन जिसमें है BG2 2006 में मिल गया, लेकिन उसके बाद आज तक नई टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हुई है। कम से कम 5-6 नए जीन्स कॉटन में आए हैं कि जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये जो NGOs और अलग अलग लॉबीज़ है इसको अपोज करने वाली एनवायरमेंटल लॉबीज़, उनके विरोध की वजह से ये टेक्नोलॉजी किसानों को नहीं मिली है। अभी कॉटन का प्रोडक्शन देश में बढ़ने से जो कॉटन बेस्ड प्रोसेसिंग आगे इंडस्ट्री है, जिनिंग है, प्रेसिंग है, फिर वीविंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर गारमेंट इंडस्ट्री है, इसमें ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई कि करीब करीब 5 करोड़ लोगों को यहाँ हर साल में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एक्सपोर्ट्स में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के नीचे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉटन टू टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री का है। तो एक टेक्नोलॉजी ने देश का इतना बड़ा फ़ायदा किया है, इसके बावजूद भी ये इस टेक्नोलॉजी में जो नए जो संशोधन है वो किसानों को मिल नहीं रही है, ये बहुत दुख की बात है और इसलिए हम लड़ते रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी को अपोज करने वाले अलग अलग परस्पर विरोधी विचारधारा है, जैसे कि RSS हो या राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइटिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उनका कहना है कि आप भगवान का जो काम है उसमें हस्तक्षेप इंटरफेयर कर रहे हो और लिविंग थिंग्स है उसमें आप चेंज कर रहे हो अपने हिसाब से, उनका ये ऑब्जेक्शन है। फिर इसके अलावा जो RSS स्वदेशी जागरण मंच हो, जो स्वदेशी की बात करते हैं, उनको लगता है कि ये सब वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज है, उस सब भारत के लिए बुरे ही है। हमारे यहाँ जो पुरातन समय से जिस तरीके से गाय और गोबर की खेती चलती थी वैसे ही चलना चाहिए, ऐसे उनको लगता है। जो लेफ्टिस्ट, उनके बराबर अपोजिट जो विचारधारा के लोग हैं लेफ्टिस्ट, उनको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ ये एग्रीकल्चर का कब्जा लेगी या उनके इसमें जाएगा और इसमें से फ्री मार्केट और ये सब बढ़ेगा और कैपिटलिज्म बढ़ेगा, ऐसे उनको लगता है। इसलिए ये दो परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग इकट्ठा आकर इसको अपोज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ गांधीवादी लोग हैं, वो पुराने ज़माने से सीधी सादी जीवनधारा का समर्थन करते हैं, उनका भी इससे अपोज है। फिर ये अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठा आकर इनकी इतनी ताकत बढ़ती है कि GM टेक्नोलॉजी से देश का इतना फ़ायदा हुआ है, वो उसको नज़रअंदाज करके उसको अपोज करते रहते हैं। और ये इसके अलावा और भी कुछ लॉबीज़ है, अभी देखिए कि BT टेक्नोलॉजीज हर सीड में आएगी तो पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कॉटन में जैसे 80% रिड्यूस हो गया, वैसे बाकी सब क्रॉप में रिड्यूस हो गया तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का क्या होगा, इसका भी डर कुछ लोगों को है। ये सब मिलकर ग्रीन पीस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास काफ़ी पैसा है, वो फंडिंग करके यहाँ NGO चलाते हैं कि जो फुल टाइम यही काम करते हैं, उनके पास बेस्ट लॉयर्स देश के है और इसके खिलाफ किसानों के साथ कोई पैसा नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई नेशनल लेवल पर काम करने वाला नहीं है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी किसानों को दिया गया नहीं है। इसके अगेंस्ट देखेंगे क्योंकि जो शहर के लोग हैं, बाकी सब क्षेत्रों में नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसके क्या इम्पैक्ट फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल देखिए कि मोबाइल फ़ोन से हम कान को लगाकर बातें करते हैं, लेकिन उसके रेडिएशंस वगैरह जो इफ़ेक्ट ब्रेन पर क्या होता है, इसका कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है, फिर भी हम जब तक उसका कोई नुकसान दिखाई नहीं देता तब तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स का इतना बड़ा एक इशू किया गया है कि इससे ऑलमोस्ट इट इज़ इनडायरेक्टली बैन ही किया है उन्होंने। हाँ, यहाँ और एक एंगल है कि कंज्यूमर्स हमारे यहाँ अभी जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया हुआ 35 करोड़ पॉपुलेशन था, फिर भी सब हम ऑर्गेनिक तरह की खेती करते थे क्योंकि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ये अवेलेबल नहीं थे तभी, तो सभी ऑर्गेनिक खेती होने के बावजूद भी 35 करोड़ लोगों को हम अनाज दे नहीं सकते थे, हम इम्पोर्ट करना पड़ता था, सूखा हो गया तो करोड़ों लोग भूखे मर जाते थे, तो बहुत बुरी हालत थी तभी। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया, सभी को खाने के लिए मिलना है, अभी 35 करोड़ से ऑलमोस्ट 125 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद
सभी के लिए, सभी को खाने के लिए अच्छा अनाज उपलब्ध है, तो अभी अनाज की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब लोगों के पास एफ्लुएंस आ गया है और वो उसके क्वालिटी के बारे में चिंता कर रहे हैं। अब लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ग्रोथ रेगुलेटर केमिकल एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, उसका अपने शरीर पर भी कुछ बुरा असर होता होगा। अब पुराने ज़माने में ये सब नहीं था तो सब कुछ अच्छा चलता था, ऐसे लोगों को लगता है, जो सही नहीं है। क्योंकि पुराने ज़माने में एक एक अकाल में कितने लोग मारे गए, बंगाल का जो फेमिन है या बिहार का जो फेमिन है, उसमें आप इतिहास में पढ़ते रहते हैं तो, लेकिन वो सब लोग भूल गए और इतना ही अभी खाना मिलता है, खाने मिलने की कोई अभी किसी को चिंता नहीं है, तो इसके क्वालिटी के बारे में चिंता करने लगे। तो लोगों को लगता है कि ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये सब विषयुक्त तो हो गया है, पॉइजन जो पेस्टिसाइड्स वो सब उसमें रहते हैं। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स हो या इसका हो, इसके रेसिड्यूस इतने माइन्यूट लेवल पर कंज्यूमर तक जाते हैं कि उसका कोई बुरा असर नहीं होता है, फिर भी ये डर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों के दिमाग में है वो रहता है। इसलिए ये लोग ऐसी बातें को काफ़ी पसंद करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, और इसलिए जो अर्बन कंज्यूमर्स में GM या को विरोध करते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में काफ़ी उनको लगाव रहता है। वजह यह है कि वो सब उनके जो डर है वो टोटली अनसाइंटिफिक है, फिर भी वो लोगों के दिमाग में रहता है। किसानों का क्या है कि जब तक वो देखते नहीं हैं तब तक उस पर बिलीव करते नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। हर एक कंपनी या जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना मार्केटिंग करते रहता है, इससे ये होगा उससे होगा, कभी कभी उसमें काफ़ी मतलब चिटिंग भी होती है किसानों की। तो जब तक किसान देखते नहीं इसका जो फ़ायदा है, अभी BT के बारे में उन्होंने देखा है, तो आप कोई किसानों को कहेगा कि BT इस्तेमाल करो मत करो तो सुनेगा नहीं वैसे, लेकिन इसके आगे जो नए टेक्नोलॉजीज़ है वो उसके बारे में उनको कम जानकारी होती है, फिर ऐसे लगता है कि किसान पूरे देश में ऐसा बिखरा हुआ है, अलग अलग एरिया में कॉटन प्रोड्यूसर्स है, तो उनका उनको सबको इकट्ठा करके इसका एक बड़ा आंदोलन बनाना ये काफ़ी मुश्किल की बात है। तो वैसे तो किसान आप देखेंगे कि अच्छे बीज के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि तेलंगाना गुजरात में जाकर बीज ला रहे हैं, आपको मतलब किसान यहाँ से बांग्लादेश में जाकर भी BT ब्रिंजाल का बीज ला सकता है, कुछ लोगों ने लाया भी होगा हमें मालूम नहीं, लेकिन ये हो सकता है किसान अच्छे बीज के लिए कहीं भी जाकर वो पैदा करने की कोशिश करता है इसके लिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नहीं होता इसमें इसके पीछे, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शंस है, उसके किसानों की फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी वजह से कुछ कंस्टेंट आ जाते हैं। लेकिन ये बात BT के बारे में इतना बड़ा कैंपेन खिलाफ उसके खिलाफ होने के बावजूद भी विदिन 5-6 ईयर्स में ऑलमोस्ट 95% फार्मर्स हैव एक्सेप्टेड BT सीड्स। ये सबूत है कि किसान एक्सेप्ट करते हैं।